वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल गुरु सज्जाद। और आज फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं पैराग्राफ राइटिंग की एक नई वीडियो। इससे पहले हमने अपने चैनल पर पैराग्राफ राइटिंग की पैटर्न और बहुत ही सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे स्पेसिमेंट पैराग्राफ्स लिख के और उनके वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं। अगर आपसे वो सारे वीडियोस छूट गए हैं या आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाकर आराम से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरे इंडिया रिलेट कर सकते हैं और इस टॉपिक को इंडिया के बच्चे बच्चे जानते हैं। सो महात्मा गांधी बेसिकली इज़ आर फादर ऑफ नेशन। वो हमारे नेशन के फादर थे। वो शख्स थे जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई छेड़ी थी और अंत तक उसे लेकर गए। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन अ हिंदू फैमिली। तो जैसे इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया कि हर वीडियोज़ में हम आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग्स बताएंगे इन नॉर्मल इंग्लिश एंड इन हिंदी। सो यहाँ बॉर्न का मतलब होता है जन्म और रेस्ड का मतलब होता है पले बढ़े। तो महात्मा गांधी पैदा हुए थे और पले बढ़े थे एक हिंदू फैमिली में। ही वॉज बॉर्न अलॉन्ग द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड इन वेस्टर्न इंडिया। कोस्टल मीन्स जो किनारी इलाका होता है। सो वो उनका जन्म हुआ था कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात। वो गुजरात से बिलोंग करते थे जो वेस्टर्न इंडिया में है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। He lived a significant portion of his life in London and completed his education there. Significant मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा। तो उनके लाइफ का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा या बहुत ही ज़्यादा समय उन्होंने लंदन में बिताया था जहाँ उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी, अपनी एडुकेशन पूरी की थी। Even in London, Gandhiji had acquired a considerable crowd to follow his teachings and principle. Acquired मतलब हासिल करना, considerable मतलब एक अच्छी खासी अमाउंट में या अच्छी खासी क्वांटिटी में, और क्राउड मतलब भीड़। तो इस लाइन का मतलब अगर कहा जाए तो ये है कि गांधी जी ने लंदन में भी अपने बहुत सारे फॉलोअर्स जुटाए थे क्योंकि उनकी टीचिंग और प्रिंसिपल्स को सब फॉलो करती थी और उनकी टीचिंग और प्रिंसिपल ऐसी थी कि सभी उनके फॉलोअर्स और भक्त बन गए थे। अहिंसा वॉज अ टर्म दैट ही हैड कॉइंड इन लंदन वाइल स्टडिंग लॉ। तो अहिंसा के पीछे एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है। अहिंसा का मतलब होता है कि आप हिंसा ना करें, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। और गांधी जी इस पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती थी और ये गांधी जी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था। गांधी जी ने हमेशा सबको यही सिखाया कि आप नॉन वायलेंस करें, बिल्कुल भी हिंसा या वायलेंस का यूज़ नहीं करें और शांति से और बड़ी सरलता से अपने चीज़ों को या अपने मुद्दों को किसी के सामने रखें और इसे सॉल्व किया जाए। सो अहिंसा का जो ओरिजिन था या फिर जो ये स्टार्ट हुआ था, ये तभी स्टार्ट हुआ था जब गांधी जी लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और ये अहिंसा को गांधी जी उधर से लेकर इंडिया तक लाए और इंडिया में इसकी मुहिम जारी हुई, जिसके बाद गांधी जी ने सारे इंडियंस को कहा कि हम इंडिपेंडेंस विदाउट एनी हिंसा प्राप्त करेंगे, विदाउट एनी वायलेंस हम इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे। He was called to decide at the tender age of 22. और ये सब गांधी जी ने एक टेंडर एज में किया। टेंडर एज मतलब बहुत यंग और बहुत नाजुक सा एज था उनका 22, जब बच्चे कुछ नहीं जानते। उस वक्त में गांधी जी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़नी चालू कर चुके थे। He did his first adjudication in June in the year 1891. So यहाँ ये बताया जा रहा है कि गांधी जी ने अपनी सबसे पहली केस जो लड़ी थी वो 1891 में लड़ी थी। He did come back to India for 2 years after his education. So लंदन में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद गांधी जी 2 साल के बाद अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद गांधी जी 2 साल के लिए इंडिया वापस आए थे। However, these 2 years were very challenging for him. Challenging मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा था ये 2 साल। उनके आगे अलग अलग चुनौतियाँ आती रहीं। He remained in his native place of Gujarat and practiced law here. Native मतलब उनकी birth home, जो birth town होती है उसे native बोलते हैं। Practice मतलब उन्होंने law की practice करनी चालू की।
he could not secure himself a proper license for several years in India. Secure मतलब हासिल करना और several मतलब बहुत सारी. तो बहुत सारे सालों तक भी उन्हें एक proper license नहीं मिला था law का. He could not start a successful practice in the field of law. Successful मतलब एक तरक्की भरा प्रोफेशन. और क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था तो उनके लॉ में कोई भी सक्सेस नहीं थी कि वो अच्छे अच्छे केस जीते और आगे बढ़ते रहे. महात्मा गांधी हैड रिप्रेजेंटेड. रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कहीं जाना. गांधी जी हैड रिप्रेजेंटेड एन इंडियन मर्चेंट नेवी एंड दैट इज़ वेयर That is why he has to go to South Africa. तो ये एक बहुत ही important केस गांधी जी को मिला था जो इंडियन मर्चेंट नेवी का था और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका सबसे पहली बार गए थे. He settled down there and began his work on civil rights movement. In these years, he vehemently educated himself in the field of justice and civil rights. So, vehemently का मतलब एक passion और dedication से. जब गांधी जी ने देखा कि उन्हें इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं मिला और उनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही थी और साउथ अफ्रीका जाने के बाद वो एक पैशनेट वे में अपनी एजुकेशन उन्होंने खुद से शुरू की और सिविल जस्टिस के लिए वो लड़ने लगे. He was the first Indian to use a word like Swadeshi and Pun Swaraj. So, Swadeshi or Pun Swaraj is two important movements of independence. Swadeshi मतलब ये था कि हम कोई भी foreigner goods इस्तेमाल नहीं करेंगे. जितने भी goods हम use करेंगे वो सारे India के होंगे, सारे make in India होंगे और वो स्वदेशी चीज़ एक भी use नहीं करेंगे. And with the help of that only we would get Pun Swaraj. Pun Swaraj means complete independence. तो गांधी जी का एक ही मोटिव था कि हमें Pun Swaraj चाहिए, complete independence चाहिए. He vehemently opposed casteism, differentiation based on ethnicity. So casteism मतलब जो भेदभाव होता था इंडिया में कास्ट के बेसिस पे, तो गांधी जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे. He began his journey by organizing the farmers and peasants into corporation group. तो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की फार्मर्स और जितने भी पेजेंट्स थे, जितने भी गरीब लोग थे, उन सबको एक साथ एक ग्रुप में एकजुट करके उनकी जर्नी शुरू हुई. They opposed taxation excessively on crops by then rulers of the कंट्री. अपोज्ड मतलब खिलाफ. और गांधी जी ने सारे फार्मर्स और पेजेंट्स को लेके ये मुहिम जारी की कि एक्सेसिव जो टैक्स उन पे लागू किया गया था वो उसके खिलाफ थे और उसे रद्द करवाना चाहते थे. He also wanted to abolish the cruel practice of untouchability. Abolish मतलब ख़त्म करना और untouchability उसे कहते हैं जिसे हम छूत के नाम से जानते हैं. तो इंडिया में उस वक्त में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती थी कि लोअर कास्ट को छूत माना जाता था, कोई भी उनमें सटता नहीं था, उनके पास नहीं बैठता था. तो गांधी जी ने ये सारी जो डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होती थी उन सभी को अबॉलिश किया, ख़त्म किया और जड़ से मिटाने की मुहिम चालू की. और इसी के थ्रू हमें पूर्ण स्वराज मिला और इसी मूवमेंट के साथ हमने स्वदेशी मूवमेंट भी देखा जिसके वजह से गांधी जी ने उस टाइम पे इस चीज़ को चालू किया और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन दी कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे. और इसी की वजह से गांधी जी ने जो लड़ाई चालू की थी वो जाके एंड हुई इन 1947 और हमें हमारे इंडिपेंडेंस मिली और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंस हेल्प. सो आज की इस वीडियो में हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन की. आपको इस वीडियो की जैसे हमारे चैनल पे सभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अलग अलग स्पेसिमेंट पैराग्राफ्स के वीडियोस मिलते रहेंगे. आपको हमारे चैनल पे ग्रामर पोर्शंस की सभी टॉपिक की कवरेज वीडियोस मिलते रहेंगे. आपको बस करना ये है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको हमारे चैनल पे NIS बोर्ड से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी. एडमिशन कैसे लेना है, TMAs कैसे सॉल्व करने हैं, सॉल्व TMAs के PDFs, वीडियोस, एडमिशन प्रोसीजर, फीस कितनी लगेगी, पेमेंट कितनी है, हॉल टिकट कब और कैसे मिलेंगे, आपको हमारे चैनल पे टॉप टू बॉटम सारी जानकारी मिल जाएगी.